सर, अगर आप पीएम मोदी को तानाशाह बोलते हैं तो उनकी उनको तानाशाह बोलने क्राइटेरिया क्या है? अगर आप उनको तानाशाह बोलते हैं उस समय सोनिया गांधी और पंडित नेहरू को भूल जाते हैं क्या? सर, ये ऐसी आदत क्यों है विपक्ष की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब खुद से कोई गलती होती है तो फिर बीजेपी को बता देते हैं? स्वाति मालीवाल का जो केस था उसको आपने बोलते बीजेपी की है, राधिका खेड़ा के लिए आपने बोलते बीजेपी की है, ईडी रेड मार दिया, पैसे निकलते हैं, कहते बीजेपी ने कर दिया। अब आतिशी जी कह रही है कि यमुना से पानी नहीं आ पाएगा दिल्ली वालों को क्योंकि बीजेपी ने करवा दिया। जब वो महिला हर किसी के उस पर अत्याचार होता है वो सबके साथ खड़ी रही, लेकिन आज जब उसके साथ हुआ तो पार्टी एकदम दरकिनार हो गई। मेरा नाम विश्वेश्वर सिंह है और मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी पार्टी को जनता क्यों वोट दे जब आपने शहीद मोहन चंद शर्मा जी का शहादत का अपमान करते हुए बाटला हाउस इनकाउंटर को आपके नेता दिग्विजय सिंह ने फर्जी बताकर देश को दांव पे लगा दिया था। गांधी परिवार नहीं चाहिए, जो मुझे फांसी भी जाना होगा तो तैयार। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एक तरफ बीजेपी की प्रवक्ता गौरव भाटिया और जेडीयू की प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की कांग्रेस की प्रवक्ता अजय उपाध्याय और आप पार्टी की प्रवक्ता राजेश गुप्ता के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में बीजेपी की प्रवक्ता गौरव भाटिया और जनता ने मिलकर केजरीवाल के चमचे राजेश गुप्ता को भयंकर क्लास लगा दिया और वीडियो के आखिर में तो गजब ही हो गया। एक चचा ने चमचे को इतनी भयंकर बेइज्जती कर दिया कि चमचे डिबेट में ही रोने लगे। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। एक महिला की कंप्लेंट है, पुलिस में कंप्लेंट है, लेकिन उस कंप्लेंट की जांच होने के पहले ही आपकी पार्टी की एक महिला मंत्री बैठकर कह देती है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रही है, वो बीजेपी। एक महिला के खिलाफ कोई भी मामला हो, मुझे पता है आप पहलवान बेटियों का मुद्दा उठाएंगे, वो मुद्दा भी आज तक ने उतनी ही तेजी से उठाया था और यहीं से मैंने कई शोज किए थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आपकी पार्टी इतना गलत रुख अपनाए। जांच तो होने देंगे ना, या जांच वांच सब अब मुख्यमंत्री आवास पर होता है? देखिए अंजना जी, जांच को ना तो कोई रोक रहा है ना कोई रोक सकता है। जितने बाहर सीसीटीवी कैमराज लगे थे उसकी फुटेज आपने भी देखी, दुनिया ने देख ली है कि स्वाति जी वहां बाहर आई जा रही हैं। 3 दिन तक कोई एफआईआर उन्होंने खुद नहीं कराई, वो थाने गई तो उसके बाद नहीं कराई, एमएससी उन्होंने 3 दिन नहीं कराई। अब उसके बाद में चौथे दिन जो कुछ भी हो रहा है सीधे सीधे पता लग रहा है कि किसके षड्यंत्र पे हो रहा है। कल वो एलजी साहब से भी मिलनी, जिन एलजी साहब को वो लगातार कह रही थी कि दिल्ली के कामों को रोक रहे हैं, जिन एलजी साहब ने महिला आयोग की सभी लोगों को हटा दिया, महिलाओं को जो लड़कियां वहां काम कर रही थी, और उन्हीं से जाके मिलनी, तो साफ साफ पता लग रहा है कि कैसे मोहरा बनाया जा रहा है। क्योंकि भाजपा जानती है, ये पंजाब की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में देखना क्या हाल होने वाला, पंजाब की तो बात ही छोड़ दो आप, और दिल्ली के अंदर तुम्हारे 7 जन्मों में कुछ नहीं हो रहा, जो तुम देखते रहो हुआ क्या दिल्ली के अंदर तुम्हारे सामने, जो ये नया षड्यंत्र लेके आए हैं, क्योंकि इनको ये था कि अरविंद केजरीवाल जी रहेंगे जेल के अंदर और ये दिल्ली के अंदर मौज मारेंगे। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, इस देश के संविधान का, जिसको बदलना चाहते हैं, जो बार बार 400 सीटें कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बाहर भेज दिया, अब इन्होंने नया तरीका खोजा कि कोई ना कोई तो वापस जाना है, लेकिन जेल नहीं, जब तक जाएंगे तब तक तो प्रचार हो जाएगा ना है? एक बार देखिए, चुनाव ही सब कुछ है, चुनाव सब कुछ नहीं है, जनता सब कुछ है, संविधान सब कुछ है। कैसा लगा मेरा मजाक? उस संविधान से ही छुटे है ना, जनता सब कुछ है, जनता चुनेगी, जनता एक बार 25 तारीख को दिल्ली में वोट करेगी, इनको अपने पाप पता लग जाएगा, ये जैसे शब्द बोलते हैं ये पाप वो पाप, इनको सब पता लग जाएगा। जो एक घमंड में जीते ना 400 पार जा रहे 500 जा रहे, भैया तुम पता नहीं कौन से पार जा रहे हो, कोई दिखाई नहीं दोगे जो तुम्हारे हालात होने वाले। रुको जरा, सबर करो। महाभारत में दुर्योधन था, दुर्योधन ने दुशासन से कहा द्रौपदी का वस्त्र हरण करो। आधुनिक युग में दुशासन तो विभव कुमार है, लेकिन दुर्योधन कौन है जनता जान गई है, वो अरविंद केजरीवाल है। और क्यों है? विरोधाभास देखिए, संजय सिंह बहुत बड़े नेता हैं इनकी पार्टी, आप पार्टी के, उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल जी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। आतिशी मालेना आके कहती है लेकिन कपड़े नहीं फटे हैं। अब आप पहले तय कर लीजिए कि कौन सही है, संजय सिंह या आतिशी मालेना। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई कॉमेडी कर रहा हूं, चेहरों पे मुस्कान देना कोई हंस दे बुरी बात नहीं है, लेकिन आपसे कहूंगा तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है छुपा रहे हो है? और अरे अभी माइक उठाइए। अच्छा, और एक बात पे अंत करूंगा, देखिए मैं आपको बता दूं, इनका आएगा अंडा 2014 में 2019 में दिल्ली में सातों की सातों सीटें अगर किसी ने जीती तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बार भी सातों जीतेंगे, 400 पार करेंगे, ये अपनी सीट नहीं बताएंगे, हम डंके की चोट पे कहेंगे मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले। हमारी पार्टी सदैव महिला सम्मान के लिए, चाहे वो जंतर मंतर की बेटियों पर जब अत्याचार इनकी पार्टी इनकी पुलिस कर रही थी, सरेआम सबने देखा, उस समय भी हम साथ खड़े थे। हमने सियासत के लिए महिला सम्मान की बात नहीं की, ये सियासत के लिए सिर्फ करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, सबने देखा देश में क्या हालात थी, आज तक मोदी जी न कोई कुछ बोल पाए न मणिपुर जा पाए। बृजभूषण जनता पार्टी के लोग जिस तरह की बात करते हैं पूरा देश देख रहा है कि कैसे उनको ये संरक्षण देते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, और सिर्फ सियासत के कारण। हाँ, बात जरूर लंबी लंबी करेंगे, ये जानता है लोग, बाबा साहब संविधान जिनको नहीं है न्यारा, 400 पार का वही दे रहे हैं,
नारा। इस देश में यदि कोई राज्यसभा सदस्य है वो महिला है, पहली बार चुनकर संसद पहुंची है, आम आदमी पार्टी की ही बहुत पुरानी साथी रही है और अरविंद केजरीवाल जी के एनजीओ में भी काम करती थी और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा है, उस पर यदि कोई हमला हो जाता है मुख्यमंत्री के घर में, वो मुख्यमंत्री जो महिलाओं के सुरक्षा के लिए गला फाड़ फाड़ चिल्लाता रहा, दिल्ली पुलिस मांगता रहा, बसों में मार्शल नियुक्त करता रहा, महिलाओं के लिए बस में फ्री टिकट का भी इंतजाम किया, वो मुख्यमंत्री निर्लज्जता से इतना खामोश बैठा है स्वाति मालीवाल के मसले पर, अगर ये भाजपा के किसी नेता के घर में हो जाता ना तो यही विजय चौक पे वो धरना देकर के बैठ जाते। ये मुख्यमंत्री की निर्लज्जता समझ आती है कि वो पूरा का पूरा मसला कोई खालमेल ऐसा है, कोई पाप उसमें ऐसा छिपा है, आखिर स्वाति मालीवाल पर हमला हुआ। एक बात इनकी मान लेते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कि बृजभूषण सरन सिंह, मणिपुर, बहुत सारे मुद्दे पे भाजपा खामोश रही, आप तो चिल्लाते रहे ना, मणिपुर पे बोला स्वागत है आपका, बृजभूषण सरन सिंह पे बोला बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप संदेश खाली पे क्यों चुप हो गए, आप स्वाति मालीवाल पर क्यों चुप हो गए? इसका साफ मतलब है महिला के प्रति जो हिंसा हुई आपकी पार्टी ने की उस पर आपका सेलेक्टिविज्म है। प्रियंका गांधी राधिका खेड़ा पे चुप हो गई, अभी आप बोल रहे थे ना बृजभूषण सरन पार्टी, आपको कह दें राधिका खेड़ा शोषण पार्टी। महिलाओं का शोषण अगर किसी भी दल में कहीं भी हो उसके खिलाफ एक आवाज तेज उठनी चाहिए, उस पर निर्लज्जता नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब से इंडिया गठबंधन में आए हैं आप लोग एक दूसरे को, ठीक है, 30 सेकंड, एक बात समझिए कि अगर पुलिस काम कर रही है, अदालत काम कर रही हो, देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था एम्स ने सबूत दिया कि स्वाति मालीवाल पर इनर इंजुरी है, तो उसके बाद तो कुछ बच नहीं जाता। चिंटू प्रवक्ताओं को लगाए हुए स्वाति मालीवाल को बदनाम करने की। मेरा ये कहना है एक महिला आरोप लगा रही है और दूसरी महिला जो आतिशी कुछ कह रही है तो उस पर यकीन क्यों नहीं करा जा रहा? वो भी तो महिला है, अब एक महिला का यकीन करोगे दूसरी का नहीं करोगे क्यों? अरे क्या कह रहे हैं राजेश जी, एक सेकंड, विधायक जी आप समझ ही नहीं रहे क्या हो रहा है और आप क्या बोल रहे हैं, सोच लीजिएगा तो नहीं बोलिएगा। आतिशी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, एक महिला के साथ क्या हो रहा है ये उसका प्रेरोगेटिव है कि वो कब कंप्लेन करे, उन्होंने बता दिया। आपका कह रहे हैं कि बाकी महिलाएं झूठ बोलेंगी? नहीं, आतिशी ऊपर कैसे बोल सकती है, आतिशी वहाँ मौजूद नहीं थी, उन्होंने बोला उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है ना। मैं क्या सुनिए, ये चुनाव निकल जाने दीजिए, इसकी बेसिक बातें तो जानिए, कुछ भी बोलिएगा। अंजना जी ये सिर्फ 25 तारीख तक का खेल है, इन्हें वोटिंग के लिए करना था उन्होंने कर लिया, चलिए ठीक है, ये सब आप कह सकते हैं, लेकिन दूसरी महिला पे विश्वास कीजिए वो झूठ बोल रही है। दिल्ली में वोट देने वालों को पाकिस्तानी कहते हैं, मत कीजिए, मैं आपसे कह रही हूं, मोदी जी के लिए आप शब्द कह रहे थे। मोदी जी वो व्यक्ति है जिन्होंने हमेशा देश हित में काम किया है और ये कहना गलत नहीं होगा। मोदी जी ने गाड़ दिया है जीत का खूंटा और भारत जान गया है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल हैं नंबर वन झूठा। संदेश खाली मेरे भाई ने बिल्कुल सही उठाया, वहां की महिलाएं भी हमारी बहन है, क्यों नहीं बोले? क्या ये पूछा नहीं जाएगा राजस्थान में 6,310 रेप हुए, क्या सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने एक बार जबान खोली? नहीं खोली। और मर्दों का प्रदेश है राजस्थान जब इनकी सरकार थी, इसलिए रेप होते हैं, ये बोलते थे। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की बात करते हैं, उन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक गलत है, उन्होंने कहा था बुर्का पहना के अगर महिला को रखोगे तो जानवर से बदतर है। है दम राहुल गांधी में, है दम अरविंद केजरीवाल में, कहे बी आर अंबेडकर ने कहा था इसलिए ट्रिपल तलाक खत्म किया, सही किया? नहीं कह पाएंगे क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी राजनीति में आए हैं, जो सही है उसे सही कहेंगे, जो गलत है उसे गलत कहेंगे, गलत को उखाड़ के फेंक देंगे और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। देश की जनता देख रही है और याद रखना भाई साहब, मोहब्बत के दुकान वालों से मतलब पंगा देश की जनता कह रही है, मोहब्बत की दुकान वालों से मतलब पंगा, 4 जून को जनता कर देगी इनको नंगा। स्वाति मालीवाल पर प्रॉपर जांच हो रही है पर ये बहुत आगे बढ़ गए। अरे यही जांच जड़ा करा लेती है पुलिस। मेरा सवाल ये है, जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय निर्भया के साथ जो कांड हुआ था, तब आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया सा आवरण पहना दिया है उस निर्भया की लाश को कि उसकी माँ का मुंह बंद करने के लिए आपने उनको तरह तरह के लुभावने जो है गिफ्ट देने शुरू हुए किए, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी, बंगला गाड़ी सब कुछ दिया, इसलिए कि वो महिला के ऊपर कोई बात ना बोल पाए। और यही काम आम आदमी पार्टी ने अभी किया स्वाति मालीवाल के साथ में, और यही अभी 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 रिसेंटली परसों नरसों की बात है जो महिला पत्रकार के साथ हुआ। ये दिल्ली के अंदर संदेश खाली को आप चलो कलकत्ता में, वहां तो हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके राज्य में क्या हो रहा है इस जगह पे, आप दोनों लोगों को बताइए। सर अगर आप पीएम मोदी को तानाशाह बोलते हैं तो उनकी उनको तानाशाह बोलने क्राइटेरिया क्या है? अगर आप उनको तानाशाह बोलते हैं उस समय सोनिया गांधी और पंडित नेहरू को भूल जाते हैं क्या? आप जैसे युवाओं पर जिस तरह लाठियां चल रही है उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के बावजूद, बिहार में जिस तरह लाठियां चलाती है, देश में जिस तरह संविधान बदलने का काम करती है, पूरा देश देख रहा है। सर ये ऐसी आदत क्यों है विपक्ष की कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अब खुद से कोई गलती होती है तो फिर बीजेपी के ऊपर डाल देते हैं। स्वाति मालीवाल का जो केस था उसको आपने बोल दिया बीजेपी की है, राधिका खेड़ा के लिए आपने बोल दिया बीजेपी की है, ईडी रेड मारती है पैसे निकलते हैं तो कहते हैं बीजेपी ने कर दिया। अब आतिशी जी कह रही है कि यमुना से पानी नहीं आ पाएगा दिल्ली वालों को
क्योंकि बीजेपी ने करवा दिया। और एक सवाल सर, एक सेकंड सर, सुप्रिया सिन्हा जी, सर सुप्रिया सिन्हा जी ने नहीं, सर सुप्रिया सिन्हा जी ने सर सवाल सुनिए सर, दो साल पहले सुप्रिया जी ने खुद ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो आम आदमी पार्टी है वो लेकर स्कैम कर रही है। अब भूल गए आप उस बात को? गुड क्वेश्चन। दो प्रश्न निर्भया के साथ दो एक बार दिखा दीजिए। निर्भया का प्रश्न कम से कम माता चली गई लगता है। निर्भया के बारे में कम से कम हमने निर्भया कोष बना करके और पूरी देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात की, मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया। सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि सर आज जब वो महिला हर किसी के जो उस पर अत्याचार होता है वो सबके साथ खड़ी रही, लेकिन आज जब उसके साथ हुआ तो पार्टी एकदम दरकिनार हो गई। बात तो सही है। आप दे दो। मेरा नाम विश्वशया सिंह है और मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी पार्टी को जनता क्यों वोट दे जब आपने शहीद मोहन चंद शर्मा जी का शहादत का अपमान करते हुए बाटला हाउस इनकाउंटर को आपके नेता दिग्विजय सिंह ने फर्जी बताकर देश को दांव पे लगा दिया था। हमारी पार्टी को कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, स्वाति मारीवाल और ड्रेसलेस प्रोटेस्ट, सारी बातें हो रही हैं, पर आप लोगों ने खुद क्या किया? आप एक दूसरे का डेटा देते हैं कि उनकी पार्टी के समय ये हुआ, उस समय ये हुआ जब वो सरकार में थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? ना युवाओं के लिए कुछ हो रहा है, ना दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी है, दोनों साइड से कुछ नहीं हो रहा। वुमेन सिक्योरिटी एजुकेशन प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। मेरा नाम अर्चना है और मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस सरकार ने अपना वादा किया था पेंशन का, जब आप मोनोफेस्टो में थे, फिर आपने अब क्यों बदल दिया कि लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी? अब एक राउंड जवाब देने दीजिए। बहुत सारा ना अंदाज चल रहा है यहाँ पे, जरा सुनिएगा। बहुत सारा ना अंदाज में आंसर दे रहे हैं आप लोग। बताइएगा कि जो आप लोग इतना आप सब मुस्कुरा रहे हैं, बताइए देश से गरीबी को हटा रहे हैं, भटक रहे हैं। चलिए उपाध्याय जी, सबसे ज्यादा कांग्रेस के सवाल आए थे, आप जवाब दीजिए, उसके बाद से आगे बताइए। निर्भया कांड की जवाब मैंने दिया है कि निर्भया में किस तरह हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास किया और ये सरकार जो आई है उसके बजट को खत्म कर दी, न के बराबर कर दी, उसका खर्चा भी नहीं करती, और उनके बच्चों को यदि हमने सहारा दिया, राहुल गांधी जी ने स्वयं सहारा दिया तो बाद में उन्होंने खुद बताया, हम लोगों ने नहीं बताया। जहां तक बात आपने तानाशाही की और कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस देश के जड़ को मजबूत करने का काम की है, देश में शिक्षा स्वास्थ्य की बात की है, युवाओं के लिए 5 न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं की न्याय की बात कर रहे हैं और साथ में श्रमिक किसान मजदूरों की बात कर रहे हैं, हम भागीदारी की बात कर रहे हैं जो जनता के बीच जाना चाहिए और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने जो 25 गारंटियां दी है उन गारंटियों पर भरोसा, हमने जो अभी 10 साल पहले जो हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने काम किया था आज उसी का फल कहीं ना कहीं इस देश में दिखता है। इस सरकार तो सिर्फ झूठ और हिंदू मुस्लिम और गाली गलौज और हिंसा के नाम पर राजनीति कर रही है। रुक तेरे को बताते तेरी। मैं एक फौजी हूँ और 71 की लड़ाई लड़ी है और उसके बाद 75 में आप लोगों ने इमरजेंसी लगवा दी, इमरजेंसी लगवा के लाखों लोगों को बेघर कर दिया और मुझे सब कुछ चाहिए, ताना साने चाहिए, नंबर एक, नंबर दो गांधी परिवार नहीं चाहिए, जो मुझे फांसी भी जाना होगा तो तैयार हूँ। गजब बेइज्जती है, मजा आया। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।